अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अगले कुछ महीनों में दिमाग के कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन गामा नाइफ की मदद से किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स में गामा नाइफ के लिए स्वीकृति भी दे दी है। इस सुविधा के शुरू होने से ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को महीनों दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। इस एडवांस तकनीक से होने वाली सर्जरी में मरीजों को जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी। वहीं एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में पहला और देश में छठवां ऐसा सरकारी चिकित्सा संस्थान होगा जहां इस अत्याधुनिक गामा नाइफ का उपयोग किया जाएगा। एम्स प्रबंधन की माने तो करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से गामा नाइफ मशीन खरीदी जाएगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तीय सहमति भी मिल गई है। इस मशीन से ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन रेडियस 0.01% ही रह जाता है। इसमें ब्रेन की ट्रेडिंग वैन यानी खून ले जाने वाली शिरा को छेड़े बिना सीधे ट्यूमर के डीएनए को नष्ट किया जाएगा।